कामयाब होने के लिए ना घर छोड़ना पड़ता है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो घर में रह करके तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, क्योंकि घर में हर तरह के लोग होंगे। बहुत सारे युवा ये कहते हैं कि हम घर में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ये घर में कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, या डिस्टरबेंस होता है, डिमोटिवेशन मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके भी माँ बाप आपको डिमोटिवेट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, या आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, या आप जो भी करना चाहते हो, जो आपका सपना है वो काम आप नहीं कर पाते जो आपको करना है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका एक ही सॉल्यूशन है भाई, कि आप उस जगह से हट जाओ। जिस जगह पे आप रह रहे हो ना, उस जगह से हटोगे ना तभी कुछ होगा। इसके लिए हटने के लिए कुछ आना चाहिए, कोई स्किल आना चाहिए, जिससे कि तुम पैसा कमा सको। पैसा कमाओगे तो किराए लेके घर रहोगे, अपने पैसे से खाना खाओगे, अपने पैसे से कपड़े पहनोगे, तो उससे फ़ायदा क्या है कि तुम अपने पसंद का काम भी कर पाओगे। जैसे अगर तुमको यूट्यूबर बनना है, तुम 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हो, तो तुम पूरे दिन काम करो और जब शाम को आओ तो यूट्यूब का काम करो। कर सकते कि नहीं कर सकते? जैसे तुम्हें कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, यूपीएससी की, बीपीएससी की, एसएससी की, रेलवे की, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो तुम पूरे दिन काम करो, पूरे दिन काम करो, और शाम को जब जॉब से आओ तो अपना कंपटीशन की तैयारी करो। जैसे म्यूज़िक करना है तुमको, गाना गाना है तुम्हें, सिंगर बनने का तुम्हारा ड्रीम है, तो पूरे दिन काम करो और शाम को म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लो। जो भी तुम्हारा ड्रीम है, क्रिकेटर, सिंगर, एक्टर, जो भी बनना है भाई, तो खुद के पैसे कमा करके बनना है। ऐसे नहीं बन पाओगे अगर ये सोचोगे कि माँ बाप साथ देंगे, फैमिली साथ देगी, सोसाइटी के लोग समझेंगे। नहीं, कोई नहीं समझेगा। तुम्हारा सपना है ना, तो तुम्हें घर छोड़ना होगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, इसलिए बता रहा हूँ। तुम दूसरे को नहीं बदल सकते, तुम कितना भी कोशिश कर लो कि अरे मेरे घर वाले समझ जाए, या मेरे माँ बाप समझ जाए कि हाँ मेरा बेटा कुछ अलग कर रहा है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको डिमोटिवेट नहीं करते हैं। ऐसा इम्पॉसिबल है। ऐसा भारत का कोई भी माँ बाप नहीं है जो बच्चा कुछ अलग कर रहा और साथ देता है। नहीं देता है, कोई माँ बाप नहीं देता भाई। मेरा क्या, तुम्हारा भी नहीं देगा, किसी का माँ बाप नहीं देता है साथ, समझा? सबका माँ बाप गलत ही समझता है। जैसे तुम अलग करेगा कुछ, माँ बाप बोलेगा ये क्या कर रहा है, ये परिवार तुम्हें बोलेगा ये क्या कर रहा है। तो इसलिए कह रहा हूँ यार, कि कोई स्किल सीखो। जैसे कोई कंप्यूटर का स्किल सीख लो, ADCA कर लो, टेली सीख लो, या डिप्लोमा कर लो, या ITI कर लो, कोई भी स्किल सीखो जिससे कि तुम पैसा कमा सको, और पैसे कमाने से ही तुम आज़ाद हो सकते हो। घर में रह करके नहीं हो गया आजाद। घर में अगर मेहमान आ गया, तुम्हारे घर वाले बोलेंगे ये काम करो, वो काम करो, तुम्हें अलग अलग तरह के आइडियाज देंगे। ये जो सोच रहे हो कि घर वाले सपोर्ट करेंगे, ना, इस दुनिया में कोई किसी की नहीं मदद करता भाई, समझे? उल्टा तुम्हें समझा दिया जाएगा। तुम अपने ही घर में गुलाम बन के रह रहे हो ना। जितना काम तुम घर में करो, उतना दूसरी जगह करोगे तो पैसे भी होंगे। तो यही चीज़ सोचो यार। और ऊपर से ताने भी मिलेगा। देखो घर में रहने से क्या फ़ायदा है? ऊपर से ताने भी मिलेगा कि तुमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया जाता है। बेवकूफ़ कोई नहीं होता है, उसको घर के लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। खास करके कुछ लोग होते हैं, वो बना दिया जाता है उसको, घर परिवार का लोग उसको कैसे भी करके किसी को भी बेवकूफ़ बना देता है, समझे? ये दुनिया ऐसी है भाई। इसलिए कहता हूँ कि अपने पैसे कमा करके घर परिवार समाज सबको छोड़ करके अपने सपने की तरफ जाओ। जब तुम अपने पैसे कमा करके कुछ भी करोगे तो कोई बोलेगा भी नहीं, और तुम ऐसे लोगों से दूर रहोगे, ऐसे लोगों से जैसे घर के ही बुरे लोग हैं उनसे दूर रहोगे, परिवार के, समाज के बुरे लोगों से दूर रहोगे, आराम से अपने सपने को पूरा कर पाओगे। नहीं तो लोग डिस्टर्ब करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, कहीं से कोई आ गया, कहीं से कोई आ गया, समझे? तो इसीलिए इसका एक ही सॉल्यूशन, अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करते जो भी तुम करना चाहते हो, तो तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, और अपने पैसे कमा करके अपने सपने पूरा करना चाहिए। और वही चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ यार।
अभी जैसे 60 दिन मेरे पास है, तो मैं 60 दिन क्या करूँगा, कंप्यूटर स्किल सीखूंगा, कंप्यूटर स्किल सीख करके मैं सहरसा में जाऊँगा, किराए लेके घर रहूँगा, अपने पैसे से खाऊंगा, अपने पैसे से कपड़े पहनूंगा और अपने पैसे से अपने सपने पूरे करूँगा। क्योंकि मैं घर वालों को तो नहीं कह सकता कि हाँ आप मेरे को सपोर्ट करो, और मुझे चाहिए भी नहीं सपोर्ट। तो यही करना भाई, अंकित बेनीपुरिया से सीखा मैंने इस चीज़ को। अंकित बेनीपुरिया यूट्यूबर है ना, 9,000 रुपये पैसे कमा करके 75 डेज चैलेंज वाला वीडियो उसने शुरू किया, 9,000 रुपये कमाता था, और आज उससे मोदी जी मिलने आए, इतना फेमस यूट्यूबर है। तो वो मेहनत करके कर पाया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यार कि तुम भी कोई स्किल सीखो, मैं भी सीख रहा हूँ, टेली सीख रहा हूँ, इससे पैसे कमाएंगे, पैसे कमा करके अपने पैसे से आज़ादी से रहेंगे। जब किराए लेके घर रहेंगे तो वहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जब किराए लेके रहेंगे घर तो वहाँ पे ना कोई डिस्टर्ब करेगा, ना कोई डिमोटिवेट करेगा, ना ही कोई बेइज्जती करेगा, ना ही कोई कुछ भी बोलेगा कि हम को हर बात पे कोई कमी नहीं निकालेगा, ना डांटेगा, आज़ादी से जिएंगे। सहरसा में किराए लेके घर रहेंगे, टेलीसिक का काम करेंगे और शाम को अपना यूट्यूब का काम करेंगे, और अपने मर्जी से जो करना होगा वो करेंगे। अभी तो दूसरे के घर में है, उनके हिसाब से चलना होता है। वही कह रहा हूँ कि जब माँ बाप के घर में रहोगे तो उनके हिसाब से रहना होगा, इसलिए आज़ादी से रहना है। तो स्किल सीखो, पैसा कमाओ, ताकि आज़ादी से रह सको, नहीं तो सांस लेना भी मुश्किल कर देंगे। ऐसे होते हैं घर वाले, परिवार, समाज के लोग, तुम नहीं जानते हो, एक्सपीरियंस है हमारा। हमने एक गलती की, हमने टाइम पे पढ़ाई नहीं की, वो गलती आप लोग मत करना। आप लोग टाइम पे पढ़ाई कर लो यार, नहीं तो बाद में ज़िंदगी नरक बन जाएगी, सच बता रहा हूँ, वो गलती मत करना। उसी गलती को सुधारने के लिए अभी मैं कोई स्किल सीख रहा हूँ। तो कोई नहीं होता है कि हाँ ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, कोई किसी का नहीं होता है, सब मतलब ही होते हैं, काम के सब होते हैं।